Friends, today I am going to talk for those students who have taken admission this year graduate courses in the session 2021-22. As you know that these courses which you have taken admission are undergoing according to the new education policy 2020. और इसमें आपके पूरा सिलेबस बदल गया है, साथ में कुछ न्यू एडिशंस हुए हैं. तो थोड़ा सा मैं समराइज कर दूँ कि पहले जहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, वो चाहे साइंस स्ट्रीम के हों या ह्यूमैनिटीज़ के हों, कॉमर्स के हों, हर जगह पे तीन जो सब्जेक्ट्स चला करते थे उसके अलावा तीन और कोर्सेस आपको एज ए माइनर पूरे करने हैं, उसको पास करना है, उसको एग्जामिनेशन देना है, जैसे कि तीन मेजर कोर्सेज में देना है. जैसे मैं बात करूं कि बीएससी में यदि कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तो वो या तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन लेगा. मैथमेटिक्स में लेता है तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन होगा. ह्यूमैनिटीज़ में लेता है तो वो एंशेंट हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी या साइकोलॉजी, इस तरीके के कोई कॉम्बिनेशंस लेगा. इसी तरीके से यदि वो कॉमर्स में लेता है तो उसके कॉम्बिनेशंस होंगे. इन एडिशन टू दैट तीन और माइनर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और उसमें एग्ज़ाम देना है. लेकिन फ़िलहाल उस एग्जामिनेशन पैटर्न में भी यहाँ पे चेंजेज आए हैं कि पहले तो ये सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है, मीन्स साल भर में आपको दो सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस देने होंगे और सेमेस्टर, हर सेमेस्टर होने के पहले एक मिड टर्म एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है. तो यदि देखा जाए तो हर सेमेस्टर में हर एक पेपर आपके 100 मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, लेकिन इसमें से केवल 75 मार्क्स ही इसका यूनिवर्सिटी अपने एग्जामिनेशन के थ्रू कंडक्ट कराएगी और 25 मार्क्स जो बचे हुए हैं प्लस 25, ये इंटरनल असेसमेंट पे आधारित होगा. इंटरनल असेसमेंट भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंटरनल असेसमेंट को. एक तो ये अटेंडेंस बेसिस पर है, इस पे 5 नंबर अलॉटेड है. असाइनमेंट है, इस पे भी 5 नंबर अलॉटेड है. और सेशनल टेस्ट है, दिस विल बी ऑफ 15 मार्क्स. तो इस तरीके से टोटल 25 मार्क्स, 5 मार्क्स अटेंडेंस पे, 5 मार्क्स सेशनल पे और 5 मार्क्स का असाइनमेंट पे और 15 मार्क्स का ये आपका सेशनल टेस्ट होंगे. तो इस तरीके से ये 25 मार्क्स इन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये हर एक सब्जेक्ट में आपको अलग अलग अपीयर होना है. जैसे यदि वो बायो का स्टूडेंट है तो बॉटनी में देना होगा, जूलॉजी में देना होगा, केमिस्ट्री में देना होगा, प्लस उसको जो एक इलेक्टिव सब्जेक्ट अलॉटेड है उसमें उसे अपीयर होना होगा. इसी तरीके से मैथमेटिक्स में अपीयर होना होगा, फिजिक्स में अपीयर होना होगा और केमिस्ट्री में अपीयर, जो उसके तीन मेजर सब्जेक्ट्स होंगे प्लस 1 इलेक्टिव. इसी तरीके से यदि वो ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है तो सोशियोलॉजी, एंशेंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी या साइकोलॉजी, होम साइंस, जो भी उसने लिया है उन तीन में अलग अलग टेस्ट में अपीयर होना है प्लस 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में. और ये सब में मिड टर्म होने हैं 25 मार्क्स ईच. और इसी तरीके से वो डिवाइडेड होंगे कि अटेंडेंस पे 5 नंबर, असाइनमेंट पे 5 नंबर और सेशनल टेस्ट 15 नंबर के. ये मार्क एग्जामिनेशंस हो जाएंगे
जिसको हम मिड टर्म बोल रहे हैं, फिर ये मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाएंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी कुछ दिनों बाद आपको 75 मार्क्स का अलग से एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, जो उसका एक अलग टाइम टेबल आपके सामने आएगा, और फिर टोटल मिला करके 100 मार्क्स में आपका सेमेस्टर वन का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है आपके मन में कि कब होगा और कैसे होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि मिड टर्म एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है जिसको कि आपको करना होगा। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि अभी तो ज़रूर आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न इस कोर्स में दिखाई दे रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन आप आगे चल करके देखेंगे कि ये पूरा सिलेबस आपके करियर के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा और निश्चित रूप से ये आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में मदद करेगा। आप चूँकि आप पहले बैच है इसलिए आपको कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, हम लोग के लिए भी ये सारी चीज़ें नए तरीके से अप्लाई करनी है, नए तरीके से सोचना है कि कैसे इन सारी चीज़ों को कंडक्ट कराया जाए, इसलिए हमारे बीच भी थोड़ा सा समन्वय का में दिक्कत आ रही है। और आप जान ही रहे हैं जैसा कि कोविड का समय है, कई बार छुट्टियां हो जा रही हैं, कभी कभी बीच बीच में खुल रहा है, तो अपने लाइफ को देखते हुए उसको सेव करते हुए इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये मान लीजिए कि इन दुश्वारियों को यदि सामना करते हुए आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यदि इस कोर्स को कंप्लीट करने में सफल हुए तो यू विल बी द फ्लैग बेयरर्स ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और आने वाली जनरेशन्स आपसे सीखेंगी और कुछ और जो इसमें कमियां रह गई हैं इसको और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो अब मैं आता हूं कि मिड टर्म एग्जामिनेशन में आपको कैसे कैसे मार्क्स अलॉट है और किस तरीके से आप इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ तक अटेंडेंस की बात है, टोटल 5 मार्क्स अलाटेड हैं और ये आपके अटेंडेंस की बेसिस पर है। यदि आपका अटेंडेंस 100 to 95 के बीच है तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे दिए जाएंगे। यदि आपका अटेंडेंस 94 to 85 के बीच है तो 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। 84 to 80 है तो यू विल गेट 3 मार्क्स, और 79 to 75 है देन यू विल बी अलाटेड ओनली 2 मार्क्स। और यदि किन्हीं कारणवश आपका अटेंडेंस 75 से भी नीचे होता है देन फर्स्ट थिंग इज दैट यू विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन यदि किसी कारणवश आपको यूनिवर्सिटी अथॉरिटी या प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज अलाउ करते हैं कि ठीक है विशेष परिस्थितियों में आपको अलाउ किया जाता है, देन यू विल बी गिवन ओनली 1 मार्क। 75% के नीचे यदि आपकी अटेंडेंस है तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा अंडर दिस हेडिंग अटेंडेंस। तो इसलिए प्रयास करिए कि आपके अटेंडेंस क्लास में मैक्सिमम हो, जो भी हो सके आप कॉलेज छोड़ने का प्रयास मत करिए, जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल हो, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स, दैट इज 5 मार्क्स अलॉटेड टू द अटेंडेंस। सेकंड थिंग आती है असाइनमेंट। असाइनमेंट में आपको एक 500 से लगभग 1500 शब्द का किसी आर्टिकल पे आपको या तो हैंड रिटन लिख करके उस आर्टिकल पे मटेरियल अपने टीचर के पास जमा करना है, प्रोफेसर के पास जमा करना है, या टाइप्ड मटेरियल भी आप जमा कर सकते हैं। यदि टाइप्ड हो और उसको ठीक ढंग से आप स्टेपल करके और फिर अपने डिपार्टमेंट में जमा करिए देन श्योरली इट विल बी ए बेटर वे टू गिव योर असाइनमेंट।
और ये टॉपिक डिपेंड करेगा कि आपके उस सब्जेक्ट टीचर ने आपको यदि कोई टॉपिक दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पेपर से संबंधित किसी भी टॉपिक पे लगभग 500 से 1500 वर्ड्स का एक लेख आप लिख सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट में जमा कर सकते हैं। इसके लिए भी असेसमेंट के लिए 5 नंबर लिखा रखा गया है आपके असाइनमेंट पे। इसमें 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जैसा भी आपका असाइनमेंट होगा, जिस तरीके से भी आपका प्रेजेंटेशन होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसके अकॉर्डिंगली आपको मार्क्स अलाट किया जाएगा। मिड टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस सेशनल टेस्ट। ये हर सेमेस्टर के पहले आपको सेशनल टेस्ट में अपियर होना होगा और ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग सेशनल टेस्ट होगा। जैसे यदि आप बायो ग्रुप से हैं तो बॉटनी का अलग होगा, जूलॉजी का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा, होम साइंस लिए हैं या ज्योग्राफी लिए हैं, मिलिट्री साइंस लिए हैं तो उसका अलग होगा। उसी तरीके से मैथमेटिकल साइंसेस में फिजिक्स का अलग होगा, मैथ्स का अलग होगा, केमिस्ट्री का अलग होगा। यदि आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो एंशेंट हिस्ट्री का अलग होगा, सोशियोलॉजी का अलग होगा, होम साइंस का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग। मीन्स जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उतने मिड टर्म में आपको अपीयर होना होगा। एंड ऑल दीज मिड टर्म्स वर ऑफ 15 मार्क्स, 15 नंबर के होंगे। इस तरीके से 5 नंबर ये, 5 नंबर ये, प्लस 15 नंबर ये, 25 नंबर आपके टोटल हो जाते हैं, जो कि आपके कॉलेज स्तर पे ये मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये 15 नंबर का एग्जामिनेशन जो मिड टर्म होने वाला है, इसके लिए जो टाइम अलॉट है दैट इज़ 1 आवर, 1 घंटे आपको आंसर देने के लिए अलॉट किए गए हैं और 15 मिनट समय आपको दिया जाएगा टू राइट द क्वेश्चंस ऑन योर कॉपी, अपनी कॉपी में उन क्वेश्चंस को लिखने के लिए और उन क्वेश्चंस को समझने के लिए। ये 15 मिनट अलग से अलॉटेड टाइम है। मींस टोटल एग्जामिनेशन जो होगा वो आपको 75 मिनट्स का होगा। 60 मिनट्स में आपको आंसर लिखने होंगे और 15 मिनट में कॉपी पे क्वेश्चंस को उतारने होंगे, क्योंकि इसमें आपको पेपर नहीं दिया जाएगा, इसमें बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए जाएंगे एंड यू हैव टू राइट दोज क्वेश्चंस इन योर कॉपी। अब कॉपी कौन सी होगी, यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी स्तर पे कोई कॉपी या कॉलेज स्तर पे कोई कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, इस बात का आप ध्यान में रखें। जब भी आप मिड टर्म टेस्ट के लिए जाएं अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में, तो आपके पास अपनी एक कॉपी होनी चाहिए, जो नई कॉपी होगी। और ये कॉपी कैसी होगी, इस कॉपी के लिए जो दिशा निर्देश आए हैं, आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और इस रजिस्टर में कम से कम 20 पेज होने चाहिए। 20 पेज से कुछ ज़्यादा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 20 पेज का ये रजिस्टर होना चाहिए और ये आपके द्वारा लाई जाएगी, आप खरीद करके कॉलेज आएंगे और ये नई कॉपी होनी चाहिए। ये पुरानी कॉपी, रफ कॉपी ऐसा कुछ नहीं होगा और ये कॉपी एग्जामिनेशन के बाद डिपार्टमेंट में जमा करा ली जाएगी। अब इस कॉपी में जब आप ले करके आएंगे तो लिखना क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें मस्ट हैं भरना जिससे कि आपका कॉपी का असेसमेंट हो सके। तो कॉपी के जो फर्स्ट पेज है उसमें दिस फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी पे आपका अपना नाम लिखना होगा, आपको जो भी नाम आपके एडमिशन के समय लिखा गया है। फिर फादर्स नेम होने चाहिए, उसके नीचे फादर्स नेम या मदर्स नेम जो भी आपने लिखाया हुआ अपने फॉर्म में भरा है। फिर आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे बॉटनी है कि जूलॉजी है, एंशेंट हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, जो भी सब्जेक्ट का आप मिड टर्म देने के लिए आए हैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखना होगा। फिर उसके नीचे आपको अपना रोल नंबर लिखना होगा। अब रोल नंबर की एक समस्या है कि अभी तक आपको एडमिट कार्ड नहीं मिले हैं, इसलिए आपके पास रोल नंबर भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही रोल नंबर लिख करके आप इस जगह को खाली छोड़ देंगे, ताकि जब कभी भी आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आपको रोल नंबर अलॉट होगा, तो यहाँ पर आपके रोल नंबर को फिल किया जा सके। ठीक है, नाउ उसके रोल नंबर के नीचे आप अपना इनरोलमेंट नंबर लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि इनरोलमेंट नंबर भी नहीं है सर, तो इनरोलमेंट नंबर भी जब कभी मिलेगा आपको, आप कॉलेज में आकर के अपने डिपार्टमेंट में बताएंगे तो आपकी कॉपी पे इनरोलमेंट नंबर भी भर दिया जाएगा। कि या तो आप स्वयं भर देंगे, आपको कॉपी दी जाएगी, तो या जो आपके प्रोफेसर होंगे ही विल राइट।
द एनरोलमेंट नंबर। तो इस तरीके से फर्स्ट पेज पर आपको क्या क्या लिखना है, अपना नाम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट में अपीयर हो रहे हैं, रोल नंबर, रोल नंबर नहीं मिला है तो रोल नंबर लिख करके उस स्थान को खाली छोड़ देंगे, एनरोलमेंट नंबर, ये भी एनरोलमेंट नंबर लिख करके यदि आपको नहीं पता है देन लीव इट ब्लैंक, लेकिन लिखेंगे जरूर एनरोलमेंट नंबर ताकि भविष्य में उसको फिल किया जा सके। ये तो हुआ कॉपी के फ्रंट पेज पे क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब कॉपी के बैक सेकंड पेज पर आपको जो पांच क्वेश्चंस आपको बोर्ड पे जो लिख करके मिलेंगे उसके उन क्वेश्चंस को आप उतारेंगे। इसके लिए आपको 15 मिनट अलग से टाइम अलॉट किया जाएगा। शुरुआत के 15 मिनट आपको इन पांच क्वेश्चंस को उतारने के लिए दे दिए जाए। तो इस तरीके से आपको अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पे जैसा मैंने बताया कि अपना नाम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट, रोल नंबर, रोल नंबर नहीं पता है तो इसको रोल नंबर लिख करके खाली छोड़ देंगे, एनरोलमेंट नंबर लिख करके फिर खाली छोड़ देंगे ताकि जब भी आपको ये दोनों नंबर्स अलॉट हो तो इस गैप को हम लोग फिल कर लेंगे। सेकंड पेज पे आपको जो क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे होंगे, आपको क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड कर रही है इसलिए आपको जहाँ भी बैठाया जाएगा वहाँ बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख दिए जाएंगे और सेकंड पेज पे वो क्वेश्चंस आप लिख लेंगे और नेक्स्ट पेज से उसका आंसर देना शुरू करेंगे। अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे, कितने लंबे आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिए जाएंगे और ये 5 क्वेश्चंस आपको 1 घंटे के अंदर करना होगा। और जैसा मैंने बताया कि इन क्वेश्चंस को लिखने और पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको अलग से दिए जाएंगे तो जो एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी ऑफ टोटल 75 मिनट्स, 60 मिनट लिखने के लिए और 15 मिनट क्वेश्चंस लिखने के लिए। तो ये 15 नंबर का एग्जामिनेशन 75 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ये एकदम शॉर्ट आंसर टाइप होगा, इसमें 2 मार्क्स अलाटेड होंगे इसके लिए और इसके आंसर 10-20 वर्ड्स में आपको अपनी कॉपी पे लिखने होंगे, मींस 1 या 2 लाइन में इसके आंसर्स हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इन तीनों क्वेश्चंस के लिए 3-3 नंबर अलॉटेड है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर 40-50 वर्ड में अलग अलग देने होंगे, यानी कि 5-6 लाइन मैक्सिमम आप लिख सकते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लेंदी है, ये 4 नंबर का होगा और इसके आंसर 70-80 वर्ड में, यानी लगभग 1 पेज में आपको इसके आंसर देने होंगे। तो हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स अलाटेड हैं, पहला क्वेश्चन 2 नंबर का, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन 3-3 नंबर के और 5वां क्वेश्चन 4 नंबर के। पहले क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 लाइन में लिखने होंगे, दूसरे क्वेश्चन के आंसर 4 या 5 लाइन में लिखने होंगे, तीसरे क्वेश्चन के भी आंसर 4-5 लाइन में और चौथे क्वेश्चन के भी 4-5 लाइन में और 5वें क्वेश्चन का आंसर 70-80 वर्ड में लिखना होगा। इसलिए बहुत छोटा क्वेश्चन पेपर है, केवल 60 मिनट्स में आराम से पूरे हो जाएंगे और ये क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के लिए सेम होगा, मीन्स ये पैटर्न हर क्वेश्चन आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, वो बॉटनी हो, जूलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ हो या ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि एंशेंट हिस्ट्री है, मेडिवल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, होम साइंस है या कॉमर्स के क्वेश्चन पेपर, हर जगह यही क्वेश्चन पैटर्न फॉलो अप होना है। इस टीडी कॉलेज में साथ में और जो दूसरे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड कॉलेजेस हैं, एवरीवेयर द सेम क्वेश्चन पेपर पैटर्न एंड सेम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन विल बी फॉलोड, इसलिए आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसके लिए। ये तो हुआ थ्योरी पेपर्स की स्थिति कि 100 मार्क्स के थ्योरी पेपर्स में 75 मार्क्स यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी और 25 नंबर आपका कॉलेज स्तर पे ये कंडक्ट किया जाएगा मिड टर्म के फॉर्म में। अब जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल भी है तो वहाँ भी प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स तो 100 होंगे लेकिन यहाँ भी 75 मार्क्स तो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी प्रैक्टिकल
और प्लस 25 मार्क्स ये डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड है वो सब्जेक्ट, वहाँ पे कंडक्ट होगा। तो वहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा कि अटेंडेंस के लिए 5 नंबर, असाइनमेंट के लिए 5 नंबर, और सेशनल टेस्ट में वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल, यहाँ पे आप थ्योरी दे रहे हैं, वहाँ पे कोई प्रैक्टिकल आपको करना के लिए दिया जाएगा, कोई एक्सरसाइज करने के लिए दिया जाएगा। तो कुल मिला करके 25 नंबर प्रैक्टिकल के टेस्ट अलग से होंगे। तो जो भी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं, जैसे बॉटनी है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मिलिट्री साइंस है, जहाँ भी प्रैक्टिकल्स होने हैं वहाँ पर आपको 25 नंबर का एक मिड टर्म और देना होगा। और जिन सब्जेक्ट्स में केवल थ्योरी है वहाँ पर सिर्फ एक मिड टर्म का एग्जामिनेशन देना है। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि यू पीपल नो दैट दिस इज़ कोविड पीरियड, और यहाँ पे आपको अपने लाइफ को सुरक्षित रखना भी उतना आवश्यक है इस एग्जामिनेशन के साथ साथ। तो इसलिए जब भी आप एग्जामिनेशन देने आए, आपके चेहरे पे एक मास्क अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात, आपके बैग में एक सैनिटाइजर होना चाहिए, जिससे कि आप अपने हाथ को बराबर सैनिटाइज कर सकें और खुद को भी इस इन्फेक्शन से बचा सकें और दूसरे को भी इन्फेक्शन से बचा सकें। तीसरी चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो आपका फीस रसीद, फीस रिसिप्ट आप अवश्य अपना लेकर के आइए, क्योंकि आपको अभी एडमिट कार्ड नहीं इशू हुआ है। आईडी, आइडेंटिटी कार्ड आपको कॉलेज ने दिया होगा, इसलिए आईडी आप अपने पास अवश्य रखिए, और हो सके तो आप अपना आधार कार्ड भी अपने साथ रखिए, ताकि आपकी आईडी प्रूफ हो सके। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास होना अति आवश्यक है जब भी आप एग्जामिनेशन में देने आए, अदरवाइज आपको एग्जामिनेशन देने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आप अपने आप को इस दौरान इन्फेक्शन से बचाए रखिए। बाय द वे, यदि आपको फीवर महसूस होता हो या कुछ इस तरीके के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हों कि देर इज़ ए चांस ऑफ बीइंग इन्फेक्शन, तो उस संबंध में आप अपने प्रोफेसर को अवश्य इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि आपके बैठने की व्यवस्था अलग से की जा सके और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सके। इसी के साथ मैं आपको मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए शुभकामना देता हूँ, और सोचता हूँ कि आप इस मिड टर्म एग्जामिनेशन में अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। ओके, थैंक यू।